हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, मैं जो आपको पोएम कराने जा रही हूँ उसका नाम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। और ये जो पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक पोएम है। सो गाइस, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को सोनेट फॉर्म में लिखा है और ये जो पोएम है इसको 1802 में कंपोज किया गया था और 1807 में इसको पब्लिश किया गया था। सो गाइज, इस पोएम में वर्ड्सवर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में जो लोग थे उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि कैसे लोग मटेरियलिस्टिक हो गए हैं और नेचर को पूरी तरह से वो भूल चुके हैं। सो गाइज, इसी थीम के ऊपर ही ये पूरी की पूरी हमारी आज की पोएम बेस्ड है। सो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि ये सोनेट फॉर्म में लिखी गई है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सोनेट होता क्या है। सोनेट 14 लाइन्स की एक पोएम होती है। सोनेट के काफ़ी सारे टाइप होते हैं, जैसे पेट्रार्कन सोनेट हो गया, शेक्सपीरियन सोनेट हो गया, बट आज की हमारी जो पोएम है इसको पेट्रार्कन सोनेट में लिखा हुआ है। जो पेट्रार्कन सोनेट होता है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ओक्टेव पार्ट और सेस्टेट पार्ट। जो ऑक्टेव पार्ट होता है उसको बोलते हैं कि पोएम की जो हमारी फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं उसको ऑक्टेव बोला जाता है और लास्ट की जो 6 लाइन्स होती हैं उनको सेस्टेट बोला जाता है। सो गाइज, ये थोड़ा सा मैंने आपको सोनेट के बारे में बताया। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। सो हमारी पोएम की जो फर्स्ट लाइन है वो है कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। यहाँ पर द वर्ल्ड, वर्ल्ड से क्या मतलब है? वर्ल्ड से मतलब है वर्ल्डली केयर, कि ऐसी चीज़ें जो जिनको वर्ल्डली केयर, जैसे कि मनी हो गई, पोजेशंस हो गया या फिर पावर, इन सब को यहाँ पर पोएट ने वर्ल्डली केयर या फिर द वर्ल्ड के नाम से बोला है, कि मतलब कि ये जो वर्ल्डली केयर्स हैं जैसे मनी, पोजेशन या पावर, इस टू मच विद अस, ये हम इनकी आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा परवाह करते हैं, या फिर ये जो वर्ल्डली केयर हैं जैसे मनी हो गया या पावर हो गई, हम इनमें बुरी तरह से डूब चुके हैं। आगे पोइट कहते हैं लेट एंड सून। लेट एंड सून मतलब कि आज नहीं तो कल हमें ये बात महसूस होगी, हम इस बात को फील करेंगे कि किस तरह से हम ये जो वर्ल्डली पोजेशन है इसमें पूरी तरह से डूब चुके हैं या इसको पूरी तरह से हम रम गए हैं। आगे पोइट हैं वो कहते हैं कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पावर्स। गेटिंग होता है प्राप्त करना और स्पेंडिंग मीन्स खर्च करना, कि पैसे को पाने में या इन वर्ल्डली केयर को हासिल करने में और इनको खर्च करने में वी ले वेस्ट आर पावर्स, हम अपनी जो शक्तियां हैं, हमारी जो पावर्स हैं, हम उनको वेस्ट करते हैं, हम उनको ख़राब करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो वर्ल्डली पोजेशन है इनको पाने में और इनको खर्च करने में ही हम अपना पूरा का पूरा समय निकाल देते हैं, इनके पीछे ही हम अपनी पावर्स को वेस्ट करते हैं। आगे जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं कि लिटल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स। लिटल वी सी इन नेचर मतलब क्या है कि हम ये जो नेचर है इसकी तरफ बहुत ही कम ध्यान देते हैं। मतलब क्या हुआ कि नेचर की जो हमारी चीज़ें हैं इनको हम, नेचर को हम दूसरी चीज़ों की बजाय आज के समय में कम आंकते हैं। हमें लगता है कि जो हमारी नेचर है वह हमें कुछ नहीं दे सकती, या फिर ये जो नेचर है इसको हम ओन नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम अपनी पावर्स को या फिर अपना जो अधिकार है उसको नहीं जता सकते, ऐसा हमें लगता है। आगे क्या है कि दैट इज़ आर्स, और इस नेचर की बात की गई है कि जिसको हम दूसरी चीज़ों की बजाय कम आंकते हैं, जो कि हमारी अपनी है, हमारी खुद की है। आगे पोइट क्या कहते हैं, वी हैव गिवन आर हार्ट्स अवे अ सॉर्डिड बून। वी हैव गिवन आर हार्ट्स अवे मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि हमने अपने दिल को खुद से दूर कर दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है, हमने अपने इस हार्ट को मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, अब क्या हुई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मनी हो गई, पोजेशन हो गया, पावर हो गया, इन सब चीज़ों को हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें बोलते हैं, कि हमने जो हमारा दिल है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बेच दिया है। आगे है अ सॉर्डिड बून। सॉर्डिड का मतलब होता है बहुत ही घिनौना, और बून का मतलब होता है वरदान। मतलब क्या है कि यह एक बहुत ही गलत चीज़ है जो हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, और हमारा जो दिल है यह भर चुका है ग्रीड से, यह लालच से भर चुका है, यह एक बहुत ही गलत बात है। आगे जो पोइट हैं वो क्या कहते हैं कि दिस सी
आगे यहाँ पर जो पोएट हैं वो क्या करें, यहाँ पर पोएट नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं और नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए वो क्या कह रहे हैं कि दिस सी, कि यह जो सी है, यह जो समुद्र है, दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि ये जो हमारा समुद्र है यह चांद के सामने अपने जो सीना है उसको तान कर खड़ा हुआ है। बोजम का मतलब हो गया सीना, मतलब कि जो समुद्र है वह चांद के सामने अपना सीना तान कर खड़ा हुआ है। या फिर इस लाइन को हम इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि समुद्र की सतह पर जो चांद की किरणें हैं वह रात के समय रिफ्लेक्ट होती हैं, और जो चांद की किरणें हैं, चांद की किरणों के सामने समुद्र है वह अपना सीना ताने खड़ा हुआ है, और ये जो सीन होता है यह देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आगे जो पोएट हैं वो नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हुए कह रहे हैं कि द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, और ये जो हवाएं हैं, हाउलिंग का मतलब होता है गर्जना करना या फिर नॉइस प्रोड्यूस करना, कि ये जो हमारी विंड है, ये जो हवाएं हैं, यह हर समय गरजती रहती हैं, हर समय ये एक नॉइस प्रोड्यूस करती रहती हैं। आगे क्या है, एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, एंड आर अपगैदर्ड, अपगैदर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, बंद होना या फिर शांत हो जाना, और ये जो हवाएं हैं यह अब शांत हो गई हैं, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, स्लीपिंग फ्लावर्स मीन सोए हुए फूलों की तरह, और ये जो हवाएं हैं जो एक समय पर पूरा दिन गरजती रहती थी, नॉइस प्रोड्यूस करती रहती थी, अब ये जो हवाएं हैं यह शांत हो गई हैं, यह बंद हो गई हैं, जैसे कि एक सोया हुआ जो फूल होता है, एक सोए हुए फूल की तरह ही अब ये हवाएं भी बंद हो गई हैं। आगे जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं कि फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, फॉर दिस मीन्स इसके लिए, फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स हर उस नेचुरल चीज़ के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, कि अब हम उन सभी नेचुरल चीज़ें हैं हम उनसे आउट ऑफ टच हो गए हैं। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि नेचर में इतनी जो ब्यूटीफुल चीज़ें हम देखते हैं, हम इन नेचुरल चीज़ों की ब्यूटी को देख कर भी हमारे मुंह से इनके लिए कभी किसी तरह की तारीफ़ नहीं निकलती आज के टाइम में। तो इसीलिए यहाँ पर पोएट है वो कहता है कि हम इन चीज़ों को देखकर भी इग्नोर करते हैं, हमारा जो टच था इन नेचुरल चीज़ों से वो अब टूट चुका है, हम इनसे आउट ऑफ टच हो चुके हैं। आगे क्या कहते हैं पोएट कि इट मूव्स अस नॉट, मतलब कि ये जो ब्यूटीफुल सीन्स हैं ये अब हमें बिल्कुल भी मूव नहीं करते, हमारा जो दिल है उसको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, हमारे दिल को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते हैं। ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी अ पेगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न। यहाँ पर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी अ पेगन, पेगन किसको बोलते हैं, पेगन हम एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं हु हैज़ डिज़ायर फॉर सेंसुअल प्लेजर, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो सेंसुअल प्लेजर के लिए डिज़ायर रखता हो उसको हम बोलते हैं पेगन। मतलब कि यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि आई वुड रादर बी अ पेगन, कि मैं एक नास्तिक या फिर एक पेगन बनना पसंद करूँगा। सकल्ड का मतलब होता है खुद को पालना या फिर खुद का पोषण करना। इन अ क्रीड आउटवर्न बोलते हैं घिससे पिटी जो चीज़ें होती हैं या फिर वर्ल्डली केयर वाली जो चीज़ें हैं, इनमें अपने आप को पालने की बजाय या इनमें खुद का पोषण करने की बजाय मैं एक पैगन बनना पसंद करूँगा। इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि वर्ल्डली केयर से डिस्ट्रैक्टेड होने की बजाय या फिर जो ये मनी है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनके पीछे भागने की बजाय मैं एक पैगन बनना पसंद करूँगा, मैं एक ऐसा इंसान बनना पसंद करूँगा जो कि सेंसुअल प्लेजर के लिए डिज़ायर रखता हो। आगे जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं, सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंटली, ली किसको बोलते हैं, ली बोलते हैं घास के मैदान को। तो पोएट कहते हैं कि अगर मैं एक पैगन बनता हूँ तो सो माइट आई, तो शायद मैं इस सुंदर घास के मैदान में खड़ा होऊंगा। यहाँ पर जो पोएट हैं वो अपने आप को बता रहे हैं कि अगर मैं एक पैगन बनता हूँ तो शायद मैं इस सुंदर प्लेजेंटली मीन्स सुंदर घास के मैदान पर मैं खड़ा होऊंगा। और वो वहाँ पर खड़ा होकर वो क्या कहता है कि वो क्या करेगा, वो कहते हैं कि हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉर लॉन, और हैव ग्लिम्स, ग्लिम्स बोलते हैं झलक को, और शायद मैं ऐसे सुंदर दृश्य को देख पाऊँगा दैट वुड मेक मी लेस फॉर लॉन, फॉर लॉन बोलते हैं अनाथ को या फिर हम बोलते हैं
डिसअपॉइंटमेंट को, या फिर हम बोल सकते हैं लोनलीनेस को जो हम फील करते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट है वो यही कहता है कि जब मैं उस सुंदर घास के मैदान में खड़ा होऊंगा तो शायद मैं वहाँ पर खड़ा होकर कुछ ऐसे दृश्य देख पाऊंगा जो मुझे कम लोनली फील कराएंगे, या फिर मेरी जो लोनलीनेस है उसको दूर करेंगे और मैं डिसअपॉइंट उस टाइम पे नहीं फील करूंगा। तो आगे जो लास्ट की दो लाइंस हैं उनमें जो पोएट हैं वो बताते हैं कि जब वो घास के मैदान में खड़े होंगे तो वो किस तरह के दृश्य वो देखेंगे, या फिर वो क्या चीज़ें देखना पसंद करेंगे। सो गाइज, लास्ट की टू लाइंस में पोएट कहता है कि हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोटियस क्या है। प्रोटियस एक सी गॉड है, मतलब कि समुद्र का एक देवता है। तो उसकी बात यहाँ पर पोइट करता है कि जब मैं उस घास के मैदान में खड़ा होऊंगा तो मैं वहाँ पर खड़ा होकर समुद्र से जो प्रोटियस सी देता है उसको राइज करते हुए, उसको उठते हुए देखना पसंद करूँगा, या मैं वो चीज़ देखूँगा, प्रोटियस को वहाँ पर राइज करते हुए देखूँगा। और हियर Old Triton blow his reed horn। यहाँ पर जो ट्राइटन है, ट्राइटन भी एक ग्रीक गॉड ऑफ सी है, मतलब कि यह एक ग्रीक समुद्री देवता है, उनकी यहाँ पर बात की गई है। और वो वहाँ पर खड़े होकर जो ओल्ड ट्राइटन है उसको अपना शंख बजाते हुए देखना पसंद करेंगे। रीत का मतलब होता है फूलों की माला, और हॉर्न बोलते हैं शंख को, कि वो जो पोएट है वो वहाँ पर उस टाइम पे खड़े होकर ट्राइटन का जो फूलों की माला से बना ढका हुआ जो शंख है, ट्राइटन को वो वहाँ पर खड़े होकर उस शंख को बजाते हुए सुनना पसंद करेंगे। सो गाइज, ये आज की हमारी पोएम थी। इस पोएम में आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द पोएम यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। And guys, please don't forget to like, share and subscribe. And thanks for watching the video.